पुंछ में हुए आतंकी हमले से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा ये कि पुंछ हमले से आतंकी संगठन जैश के भी तार जुड़े। जैश के सहयोगी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का हाथ सामने आ रहा है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। PAFF इसने इस आतंकी कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बात का अब खुलासा हो रहा तो पुंछ हमले से आतंकी संगठन जैश के भी तार जुड़े हैं इस बात का खुलासा हो रहा है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बता दे बड़ा खुलासा जो हुआ है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। ये कुछ चेहरे जो आपके सामने हम रख रहे हैं जिन्हें बेनकाब किया जा रहा है। मौलाना मसूद अजहर जिसका क्या है प्रोफाइल, ये जैश का चीफ है। मुफ्ती अब्दुल रौफ असगर इसका काम क्या है, हमलों की प्लानिंग, ये जैश की टेरर कुंडली आपके सामने हम रख रहे हैं। मुफ्ती असगर खान कश्मीरी इसका काम है कश्मीर में टेरर फैलाना। मौलाना तलहा सैफ काम क्या है, नई भर्तियां करना। तो जैश की पूरी टेरर कुंडली आपके सामने हम रख रहे हैं और इनका पुंछ टेरर अटैक से लिंक भी अब सामने आ रहा है और साफ है कि इनका इससे लेना देना है। ऐसे में अब अगला एक्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंकित भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, कुल मिलाकर यहां पर ये साफ हो गया है कि जैश का भी लेना देना है और उसके सहयोगी संगठन PAFF का, जिसपे जनवरी 2023 पर बैन भी लगा दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। TV9 भारतवर्ष के पास जैश ए मोहम्मद की एक्सक्लूसिव कुंडली है, किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल जो है वो ऑपरेट करता है, उसके साथ साथ जो PAFF है उसने इस पूरे टेरर इंसिडेंट की जिम्मेदारी ली है। और आपको बता दें कि जो PAFF है वो प्रॉक्सी है जैश की, यानी कि जैश ही असल में ये पूरे टेरर इंसिडेंट को यहाँ पर अंजाम देता है। कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से यहाँ पर की जाती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब ये गाड़ी जा रही थी, एक ड्राइवर साइड, बैक साइड और ड्राइवर के इस तरफ तीन साइड से आतंकियों की तरफ से फायरिंग जो थी वो की गई। तकरीबन 30 से 35 राउंड जो फायर थे आतंकियों की तरफ से किए गए थे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ये जो इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, ये BG का इलाका, ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अक्टूबर का महीना था साल 2021, इसी इलाके में भारतीय सेना के 9 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद क्योंकि कल बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला किया जाता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकियों की तरफ से ये कायराना हरकत जो है वो इस इलाके में की गई और 3 से 4 आतंकी जो थे वो इन्वॉल्व थे इस टेरर इंसिडेंट में। उसके साथ साथ जो अभी जो बड़ी खबर ये है कि मुकेश सिंह जो ADGP जम्मू है वो इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। आर्मी, भारतीय जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, जांच एजेंसियां लगातार उस जगह पर। बिल्कुल अंकित, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ लगातार बने रहें क्योंकि कुछ और अपडेट्स भी आपसे लेने हैं। ये पहली बार नहीं है कि खूंखार आतंकवादी संगठन PAFF ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया हो। इससे पहले बता दें आपको कि PAFF ने कब कहां अपने टेरर प्लान को पूरा किया, ये भी तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। साल 2021 में 3 जून को BJP नेता राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी इसी संगठन PAFF, जो कि जैश से जुड़ा हुआ है, उसका प्रॉक्सी संगठन आप इसे कह सकते हैं, उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई। और इसके बाद आगे आपको बता दें फिर 11 अगस्त 2021 की वो तारीख आई जब राजौरी में सेना पर हमला हुआ। इसी साल मेंढर में जवानों पर अटैक हुआ जिसमें इसी आतंकी ग्रुप का नाम सामने आया। अगले साल 2022 में जम्मू कश्मीर के DG हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मर्डर की जिम्मेदारी भी PAFF ने ही ली। इसके बाद 2023 में पुंछ का आतंकी हमला देखकर सारा देश इस वक्त गुस्से में है। अब आपको PAFF का की पूरी टेरर कुंडली जल्दी से बता देते हैं, इसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख देते हैं। इस
जो आतंकी संगठन है उसका पूरा नाम पहले जान लीजिए, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसका है पूरा नाम। अब इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद है इसके पीछे। कहां ये एक्टिव है? जम्मू कश्मीर में। जान लीजिए कब से ये चर्चा में आया, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये चर्चा में आया। क्यों बौखलाया है? मई में G20 की बैठक होनी है, G20 की बैठक पर पहले ही ये चेतावनी दे चुका है। क्या एक्शन इस पर लिया गया है? जैसा कि हमने बताया, जनवरी 2023 में गृह मंत्रालय ने इस पर बैन लगा दिया है। ऐसे में ये बौखलाया हुआ है।